हमारा 3 साल का पे बंद था, आज से 3 साल पहले से हम यहाँ आ रहे हैं, सेक्टर जा रहे हैं, लेकिन आज ये हो गया कि इन्होंने हमें टर्मिनेट ही कर दिया। इन्होंने हमें 1 महीना भी नहीं दिया, जबकि एक गवर्नमेंट मुलाजिम को नोटिस दिया जाता है 1 महीने का कि हम आपको डिसंगेज करेंगे या सस्पेंड करेंगे। इन्होंने हमें डिसंगेज ही कर दिया और 4 दिन भी नहीं दिए। हम हेल्पर टू सुपरवाइजर्स हैं, हम सुपरवाइजरों की हेल्प करते थे। हमारे पोस्ट 918 थे जो हम काम कंटिन्यू कर रहे थे। 2016 में हमारी पे बंद हो गई थी, फिर हमने आधी लड़कियों ने कोड किया तो फिर पे रिलीज कर दी 2016 से। तो फिर आ गया 2019 से इन्होंने हमारी पे अप्रैल से बंद कर दी टिल आज देर तक कि अगस्त 2021 तक। तो हम इसी तनख्वाह के सिलसिले में वहाँ यहाँ जाते थे तो बोल रहे थे, ये बोलते थे कि आपकी पोस्ट सैंक्शन नहीं है। हमने उनको बोला हमारी पोस्ट जब सैंक्शन नहीं है तो आप हमें पे कहाँ से देते थे, क्योंकि हम इसमें 30 साल से हैं, 35 साल लड़कियाँ इससे हैं, इसमें हैं, और इवन कि अब भी लग रहे थे आज लड़कियों ने पे नहीं ली है। हम 30 साल से इसमें काम कर रहे हैं, ये अच्छे से हमको पे निकलते थे, लेकिन 2-3 साल हो गए हमको पे नहीं है। हम प्रोटेस्ट करते रोज़ आते हैं, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को तासे मासी नहीं होता है, हमारे मसले को ही नहीं देखते हैं। हम आला अफसरों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं 3 सालों में उनने बोला हो जाएगा आपका मसला हल, लेकिन वो अचानक 10 तारीख को हम अच्छे से नींद से थे, सुबह उठा तो फेसबुक पे देखा, न्यूज़ पे देखा, हमको टर्मिनेट आर्डर निकाला। हमारे साथ बेवाए हैं जो ये विडोज है, ऑर्फन्स लड़कियां काम कर रही है, हमारे साथ ये हैंडीकैप्ड लड़कियां काम कर रही है, लेकिन उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। सैलरी कितना लेते थे और कब से सैलरी आपकी पेंडिंग है? सैलरी हम मामूली उजरत लेते थे, हम पहले 1800 लेते थे, अब 2500 हो गई थी। बच्चे वाले एक बहुत ज्यादा गरीब, इसमें इसी पैसों पे वो घर चलाते थे। अब इन्होंने टर्मिनल हमको किया, अब कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे, बोलो कहाँ जाएंगे, किस किस के पास जाएंगे हम, कौन हमारा फरियादी कोई नहीं सुनता है, कोई कुछ करता ही नहीं हमारे लिए। हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे थे 3 साल से, अब हम चला रहे थे, ये बोल रहे थे कोई बात नहीं आपका मसला हल करेंगे, हम आपका मसला हल करेंगे, डायरेक्टर साहब बोल रहा था, डायरेक्टर जनरल बोल रहा था, फारूक खान साहब बोल रहे थे हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन हमने पिछले 15 दिन पहले हमने कोर्ट केस किया है, उन्होंने इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि इनके साथ छेड़खानी मत करो और इनको जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है वो दे दो, लेकिन इन्होंने किया काम ये कि इन्होंने हमें वो ऑर्डर देकर डिसंगेज ही कर दिया। टर्मिनेट या डिसंगेज सेम बात है, अब हम चाहते हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर ये हमारा ऑर्डर वापस ले ले, अगर नहीं लिया तो हमारा 8 दिन के बाद पहला धरना तो सेक्रेटरी के पास होगा, वो भी बच्चों समेत, अगर ये हमें गोलियां भी मारेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, जोर कर लेंगे अपना हाथ, जोर कर लेंगे अपना हाथ, जोर तुम पीछे की में।